महाराष्ट्र आज पहली साल माने कौन आएगा यहाँ? पिछले साल तो शिवसेना का नहीं, देखो मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि दो महीने के बाद इलेक्शन है। मैं किसी को नहीं निमंत्रण दे रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को भी मैंने यहाँ में बुलाया तो कल फिर से न्यूज़पेपर और अगरतला में स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगा कि हम किसी के संग अलायंस कर रहे हैं। मैंने पहले से क्लियरली बोल दिया है कि हम किसी के संग अलायंस नहीं करेंगे, इसके लिए किसी को बुलाएंगे भी नहीं, ना कांग्रेस से, ना कोई पार्टी से, ना आम आदमी पार्टी से, ना तृणमूल से, ना बीजेपी से, ना सीपीएम से, ना कोई भी पार्टी से, क्योंकि हम आज यहाँ में अपना तीपरासा का बात रखना चाहते हैं। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आज से एक साल पहले जब हमने धरना किया था दिल्ली में तो सब लोग ने कहा था कि अरे ये तो सिर्फ देखने वाला बात है, एक साल के बाद इलेक्शन के पहले इनका अलायंस हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा ग्रेटर त्रिपुरा का डिमांड। लेकिन इलेक्शन सिर्फ दो महीना दूर है और हम लोग फिर से दिल्ली में आए हैं और हमने जो हम लोग को डाउट कर रहे थे कि हम लोग इलेक्शन के पहले अंडरस्टैंडिंग करके कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, आज फिर से दिल्ली में हम लोग आए हैं और हम लोग ने सबको दिखा दिया है कि हमने अपने डिमांड से एक इंच भी पीछे हम लोग नहीं गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है और ये मैसेज सिर्फ सबको, सिर्फ पूरे इंडिया को है कि हम लोग किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, किसी का हेल्प नहीं मांगेंगे, हमको अपना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। अगर कोई देता है तो राइटिंग में दे, वरना आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम लोग अपना पॉइंट रखेंगे और त्रिपुरासा लोग जिसने हमारे ऊपर विश्वास किया है वो उनका सपोर्ट और उनका प्यार से हम लोग 2023 इलेक्शन में जीतेंगे। वो मेमोरेंडम कब देगा? मेमोरेंडम ये लोग आएंगे, इनके होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, हम उनको दे देंगे। हमने ना अपॉइंटमेंट मांगा है अमित शाह से और होम मिनिस्ट्री से, हमने अपॉइंटमेंट नहीं मांगा, वो उनके ऑफिशियल्स आएंगे और हमारा मेमोरेंडम ले जाएंगे। अगर उनको हमसे बात करना है तो हमें सीरियसली बुलाइए और राइटिंग में बताइए कि हमारे त्रिपुरासा लोगों को आप क्या देना चाहते हैं। पॉलिटिकली पॉलिटिशियन से बैठकर बात करने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफिशियली हमारे साथ बात करना पड़ेगा।